कि भाई की लुक है अभी कुछ इस तरह से लग रही है फिलहाल, तो कैसे इसको चलो ठीक है, इसके जो बॉडी बॉडी वगैरह कटिंग वगैरह होती है उसके बाद जो उसकी जो प्रॉपर जो लुक है ना भाई फिर आपको वो दिखाएंगे इसके फिलहाल। तो गाइस इस वाले एमटी में भाई ये वाला यूगा डलने वाला है, तो भाई देखते हैं इसकी पता नहीं कि इसकी फिटिंग वगैरह बनेगी। उसके बाद देख रहे हैं हमारी जो नए वाली जो बेलोरानी है भाई, ये देख रहे हो ये भी लगी हुई है, तो भाई मैं फिलहाल आपको ये दिखा रहा हूँ, बाकी दूसरे वाली बेलोरानियों के ऊपर हमारा जो काम है पूरा चल रहा है। तो गाइस फिलहाल इसके चेक कर लो इसकी लुक कैसे लग रही है भाई, बड़ी जल्दी आपको तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं आपको अपना रूम में मॉडिफाइड, सो गाइस आज हम जो करने वाले हैं भाई एमटी के ऊपर जो फुल बॉडी रैपिंग वाला वर्क है वो करने वाले हैं। तो गाइस उसमें थोड़ी सी एक्सेसरी से जो उसमें इंस्टॉल वगैरह करने हैं भाई वो भी करेंगे, और आई विल वाला जो पेंट वगैरह जो बॉडी का पेंट वगैरह वर्क है भाई वो भी सारा करेंगे। तो गाइस अभी चलते लेके चलते हैं पूरी बाइक के ऊपर, उसके जो क्या क्या बॉडी के जो काम है भाई वो करना है। तो गाइस चलते चलते बाइक पर कल सुबह इसको जो एम टी बाइक है भाई इसको भी पूरा हम इसको जो ग्राफिक्स जो रैप वाला वर्क है पूरा करने वाले हैं भाई। देख रहे हो भाई हमें पीछे वाले इसको बॉडी पार्ट को भाई इसको भी पूरा हमने जो रैप वर्क किया हुआ है, ये साइड पे ये भी रैप वर्क किया हुआ, आगे वाला जो लाइव है भाई इसको पेंट वगैरह किया हुआ। तो ये वाला ग्लास देख रहे हो ये उसका जो टर्मिनेटर वाला जो ग्लास है डबल ग्लास ये भी डाला हुआ है। तो भाई इसके ऊपर लगी हुई हमारी पूरी भी एक्सरगेट वगैरह पूरी लगी है, तो कल सुबह इसके ऊपर जो ब्रांडिंग वाला वर्क है वो पूरा होएगा। तो बाकी इसके फाइनल चेक कर लो कैसे लग रही है, जो रात को जो भाई काम वगैरह किए थे देख रहे हैं। इस पर जो आगे वाला जो लाइविल है ये देखो हमने पेंट वगैरह करा दिया, तो ये वाला जो उसके छोटे वाले बॉडी पार्ट है इंजन वाली बैली ये देख रहे हो इंजन वाला बैली ये वाली ये भी इसमें फिट वगैरह होनी है। तो भाई इसमें अभी लगने वाली है भाई ये वाली इसमें एक्सरगेट है, ये वाली जो एक्सरगेट है भाई इसके ऊपर ये लगने वाली है। तो बाकी इसके बाइक लुक चेक कर लो तो कैसी लग रही है इसकी लुक। तो बाकी हमारे अभी सनी भी है इसकी बाइक जो फिटिंग वगैरह सारा काम वगैरह चल रहा है। तो कैसे इसके जो पीछे वाले बॉडी पैनल है ये वाले बॉडी पार्ट टेल पैनल वाले ये भी इसकी फिटिंग वगैरह कर दी थी, एक्सरगेट इसके ऊपर फिट होना वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। बाइक की लुक है अभी कुछ इस तरह से लग रही है फिलहाल, तो कैसे इसको चलो ठीक है, इसके जो बॉडी बॉडी वगैरह फिटिंग वगैरह होती है उसके बाद जो उसकी जो प्रॉपर जो लुक है ना भाई फिर आपको वो दिखाएंगे फिलहाल। इसके ऊपर जब बॉडी फिट वगैरह हो जाएगी उसके बाद जो इसका जो ग्राफिक्स वाला वर्क है वो भी स्टार्ट करेंगे, जो ब्रांडिंग वगैरह करनी है वो भी करेंगे। तो गाड़ी की ऑलमोस्ट लुक मिलो आपको डन करके इसको बाइक को भेज देंगे, क्योंकि भाई बड़ी दूर से भाई ये ट्रैवलिंग करके आए हैं हिमाचल से आए हैं भाई, तो भाई तीन दिन से यहाँ भी इन्होंने स्टे किया हुआ है, तो फाइनल आज इनकी जो बाइक है जो काम करके करवा देंगे बाइक है आज। तो एक तो हमारी जो अपाचे जो दूसरी बाइक जो रैप वगैरह की है, तो एक वाली बाइक जी है एमटी इसको जो रैप वगैरह करना है। तो चलो गाइस चलते हैं इसके ऊपर जो जो ग्राफिक्स वाला काम है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसका जो इंजन वाला बॉडी पार्ट है भाई ये देख रहे हैं इसके ऊपर जो ग्राफिक्स वाला जो हमारा काम है गाइस इसके ऊपर होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसके जो पोजल वाली साइड है भाई यहाँ पर भी इसके ऊपर जो ग्राफिक्स वाला काम है ऊपर करते हुए जो उसके एक्सरगेट है भाई इसके ऊपर जो हमारा जो रैप वाला वर्क स्टार्ट हो गया भाई इसके ऊपर हमने जो कलर तो गाइस इसकी लुक कैसे लग रही है भाई देखो, इसमें तीन कलर यूज किए हुए हैं, इसमें गन मेटल कलर, मैट ब्लैक कलर और इसमें व्हाइट कलर, तीन कलर इसमें यूज किए हुए हैं। तो बाकी इसका जो नीचे वाला जो कलर है भाई इसमें एयरफोर्स कलर है, ब्लू कलर का जो कलर है वही वो वाला लगाया हुआ है इसमें। तो गाइस इसको अभी जो ग्राफिक्स वाला वर्क है भाई वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लुक देते हैं भाई खतरनाक, क्योंकि भाई जो इसके ऊपर जो रैप हो रहा है ना भाई जबरदस्त सही तरीके से इसको रैप वाला हो रहा है। चलो भाई चलते हैं इसको जो रैप जो फिनिशिंग करते हैं पूरा प्रॉपर। इसकी जो ब्रांडिंग वगैरह जो करनी है भाई इसके बॉडी के ऊपर जो एमटी के ऊपर, तो भाई देख लो हमने गोप्रो को जो टैग्स वगैरह सारे काट दिए हैं, यहाँ पे हमने जो स्ट्रिप वगैरह यहाँ पे लगाई है, तो ये सबसे सिल्क से डिजाइन वगैरह किया हुआ है। तो कैसे ये चौकर में देखो यहाँ पे इसमें कार्बन फाइबर का जो रैप है वो लगाना स्टार्ट कर दिया, तो कैसे आगे वाला जो मड़गाड़ा खुलेगा तो इस बार जो गोल्डन वाला बॉडी पार्ट है इसको भी पूरा गोल्डन चक्र वो लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह पूरा कर दिए, तो कैसे यहाँ पे देख लो यहाँ पे बैग वाला जो पैनल है भाई इसके ऊपर हम जो नॉर्थ ईस्ट की जो इसकी जो ब्रांडिंग वाला कार्बन फाइबर जो रैप होना स्टार्ट कर दिए। तो कैसे यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे जब इसको रैप लगा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अटक रहा है, इसलिए जो हमारे जो टैंक वाला जो ये वाला बॉडी पार्ट है इसके ऊपर हम कार्बन फाइबर का जो रैप है भाई वो भी लगा रहे हैं इसके ऊपर। Thank you.
गाइस वो टैंक वगैरह जो करना था इसको जो कार्बन फाइबर वगैरह जो रैप वगैरह करना था भाई देखो कर दिया हूं तो भाई यहाँ पे इसका जो कर्म है भाई पूरा रैप वगैरह कर दिया है जैसे वन पीस लगाया है पूरा यहाँ पे क्या है जो जिसका जो डिज़ाइन वगैरह था यही हमने पूरा प्रॉपर कंपनी में दिया है शॉकर के रिलेटेड पूरा शॉकर और पूरे इस पर जो कर्म है का रैप वगैरह होने वाला है तो हमने पूरा टैंक के ऊपर उसके अकॉर्डिंग जब पूरी बॉडी वगैरह फिटिंग हो जाएगी उसको प्रॉपर लोग आपको चेक करवाते हैं अभी कैसे इसमें बोला सा काम अभी होने वाला है मैंने इसका आगे वाला जो मीटर है इसमें पूरा लिमिट टाइम मिलता है करते हैं भाई आमिर भाई की जो बाइक उसके ऊपर जो रैपिंग वाला वर्क है भाई वो अभी फिलहाल अभी करना है फिलहाल उसकी जो बाइक है भाई उसके ऊपर जो जो मोटिवेशन वाला वर्क है वो भी चला क्योंकि क्या कहता है कि बड़ी सारी जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को जोड़ना पड़ता है क्योंकि जो बॉडी पार्ट होते हैं उनकी पूरी फिटिंग वगैरह करनी पड़ती है मतलब एक ही चीज़ को देखना पड़ता है समझना पड़ता है कौन सा पार्ट किस जगह और किस जगह पर लगेगा तो भाई इन चीज़ों को पूरा देखना पड़ता है तो काफ़ी वैसे भी बड़ी जल्दी जो बाइक को भाई पेंट के लिए भाई पूरा भेज देंगे उसकी जो पेंट भाई उसके ऊपर जो किया ना भाई मैं बोल रहा हूँ भाई खतरनाक तरीके से और भाई मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एंड लेवल का जिसके ऊपर पेंट होएगा ना भाई वो उसके ऊपर होने वाला है तो उसके ऊपर प्लस जो उसके ऊपर जो रैपिंग वाला वर्क होगा भाई वो तो खतरनाक होने ही वाला है तो गाइस फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नए अगले वीडियो में फिलहाल आपको बाकी जो बाइक है वो आपको चेक करवाते हैं उसकी कंडीशन किस तरह से तो भाई एक और भी जो हमारी नई वाली जो बिलर आनी है उसके ऊपर जो फिलहाल जो रैपिंग वाला पूरा वर्क है वो भी करना है और उसके ऊपर जो उसके ऊपर भी जो पेंट वाला वर्क है वो भी पूरा होएगा उसके ऊपर जो प्रॉपर लुक है वो चेक कराते हैं बाकी हमारे पास आते हैं फिर आपको जो हमारी जो बाइकें हैं जो बिलर आने नई और पुरानी वाली दोनों को चेक करवाते हैं तो देखते हैं उसकी जो लुक अभी कैसे लग रही है फिलहाल जो अभी नई वाली जो बिलर आनी है वो मैं आपको चेक करवाना होगा पुराने वाली जो है उसके ऊपर जो वर्क वगैरह चल रहा है बाकी उसके ऊपर पेंट पूरे वाला सारा जो एक्सरगेट है उसके ऊपर लग चुकी है उसके ऊपर प्रॉपर लुक है भाई पूरी उसके ऊपर जो काम है वो भाई वो चल रहा है तो मिलते हैं आपको नई वाली जो बिलर आने उसको देखकर दिखाते हैं फिर उसके ऊपर देखते हैं क्या क्या वर्क होना है इसके ऊपर ये रही हमारी जो नई वाली जो बिलर आनी है भाई ये देख रहे हो ये भी लगी हुई है तो भाई मैं फिलहाल आपको ये दिखा रहा हूँ बाकी दूसरे वाली बिलर आनी के ऊपर हमारा जो काम है पूरा चल रहा है तो गाइस फिलहाल इसके चेक कर लो इसकी लुक कैसे लग रही है भाई बड़ी जल्दी आपको इसके ऊपर भाई अच्छा वाला जो आपको जो ब्लॉग है भाई वो भी आपको देखने को मिलेगा तो बाकी देख लो इसके ऊपर एक्सेसरी साइडें बड़ी ज़्यादा लगी हुई है तो गाइस फिर मिलते हैं आपको फिर अच्छे से कोई मस्त वीडियो में तो आज के लिए बस आज के ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं तो चेक करो गाइस बाकी हम एक और भी जो बाइक है वो भी सो गाइस इसमें एक्सरे बट पूरी किट हुई है यहाँ पे पूरा लग चुकी है तो भाई देखिए यहाँ पे पूरी ग्राफिक्स वगैरह पूरी कर दी है तो भाई इसके जो इंजन वाला गार्ड है फिलहाल अभी वो भी इसकी फिटिंग वाला चल रही है तो इसका मडगार्ड वगैरह यहाँ पे खोल के रखा हुआ है तो गाइस इसकी जो साइड पे जो फिटिंग है इसकी लुक चेक कर लो बाकी पीछे वाला इसको यहाँ पे पूरा जो इसका पीछे वाला जो व्हील कवर है भाई पूरा यहाँ पे डाला हुआ है तो गाइस इसके जो ये वाला इसकी लुकिंग मिरर है हैंड ग्रिप वाले तो बबल ग्लास वाला यहाँ पे पूरा डाला हुआ है तो इसमें जो वहाँ पे आइस वाली जो लाइट है भाई ये भी इसमें डाली हुई है तो भाई चलते हैं फिर उसके जो प्रॉपर जब इसकी फिटिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो चेक कराते हैं फिलहाल जो उसको आगे वाला लाइव इसको प्रिंट वगैरह किया हुआ है अभी गाइस मैंने यहाँ पे देखा है हल्की सी स्ट्रिप वगैरह लगाई हुई है तो स्ट्रिप वगैरह यहाँ पे लगाई है तो उसके बाद देखते हैं तो गाइस इस वाले एमटी में भाई ये वाला यूगा डलने वाला है तो भाई देखते हैं इसकी पता नहीं कि इसकी फिटिंग वगैरह बनेगी उसके बाद देखते हैं इसकी जो प्रॉपर लुक कैसे लगेगी भाई तो भाई मेरे ख्याल में ये वाला जो यूगा इसमें अच्छा जचेगा और लगेंगे बॉडी की जगह जैसे कार्बन फाइबर यहाँ पे रैप है तो टैंक के ऊपर की हुआ तो भाई इसके साथ काफ़ी मैच कर रहा है तो इसकी जो बैक वाली लुक है काफ़ी सेक्सी आएगी इसके साथ कुछ इस तरह से लगने वाला भाई ये देख रहे हो ये हमारे पाजी है भाई इन्होंने जो ये वाली वॉच है भाई हमने गिफ्ट करी है तो भाई ये 5 लाख की खड़ी है तो भाई मैं दे रहा हूँ ना भैया भाई बाइक से आपके लिए तो भाई ये भाई ने ये वॉच भाई मेरे को दिए जो तो ले ये देखो भाई तो भाई ये देखो आज से ये जो ये वॉच है आपके बाप के भाई को ब्लॉग में देखे भाई ये 5 लाख की बाइक है सोने की घड़ी है भाई ये और भाई इसके बीच में भाई डायमंड भी लगे हुए हैं तो भाई ये देख रहे तबाही वाला सीन हो रहा है भाई कमेंट करके तो बाकी भाई कमेंट सेक्शन में जाके बताना तो किस किस मेरे भाई को ये जो ये वॉच है भाई पसंद आई है तो आप कमेंट करके बोलो कि मैं ये मेरे को अगर ये वाली वॉच लेनी चाहिए तो भाई ये तो भाई इसको हैंडल के हैंडल बार मेरे ना यहाँ पे लुकिंग मेरे तो सनी भाई इसको जो फिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो गाइस इस शीशे की एक बात है ये देखो इन शीशों का भाई जो कलर है पूरा स्काई ब्लू कलर में कलर आता है तो देखो आपको भाई भी इसके अंदर दिख रहा है तो गाइस इसकी लुक पूरी इसके प्रॉपर शीशे की जो लग रही है भाई पूरे बॉडी के साथ मैचअप लग रही है देख रहे हो ब्लू एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन लग रहा है पूरा तो बाकी भाई अभी फिलहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी इंस्टॉल वगैरह होनी है तो बाकी इसकी लुक चेक कर लो भाई की तो भाई क्या सीन होने वाला है यहाँ पे जो ये शीशे हैं भाई यहाँ पे देख रहे हो
तो भाई यहाँ पे फिट कर दिए हैं भाई, कितने खतरनाक लग रहे हैं। तो भाई तो कैसे अभी इसके ऊपर क्या है कि यहाँ पे जो लोकी मेरे जो हैंडल बार मेरे लगे थे भाई, मैंने क्या किया इसका जो शीशा था ना यहाँ से उतार दिया भाई। ये देखो इसी उसी लीवर बार का भाई पूरा लीवर गार्ड बना दिया मैंने इसका। तो भाई मेरे अगर किसी भाई ने अगर यहाँ पे अगर जो ये वाला ग्लास लगाए तो भाई यहाँ से खाली शीशा खोलोगे तो जहाँ से जो ये वाला एंगल है पूरा आपका लीवर गार्ड बन जाएगा, तो जो आपका हाथ है पूरा यहाँ पूरा स्टेबल रहने वाला इस तरह से। तो बाकी देखो इसका शीशा भरा था, ये यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ से शीशा ये हमने खोल दिया हुआ है इसको। तो ये हमारे जो सनी भाई यहाँ से खोल रहे हैं, देखो आपके सामने भाई यहाँ पे इसका ना जो लीवर गार्ड है भाई वो बन जाएगा। ये देखो ये बन गया लीवर गार्ड, बस इतना सा काम करने का शीशे का यहाँ से खोलना है तो लीवर गार्ड बन गया आपको। पहले जैसे हमारा जो रैप वाला वर्क पे पूरा डन हो चुका था, बाकी लुक चेक कर लो बाइक की भाई कैसे लग रही है। बाकी देखो हमारा तो भाई बाइक में पूरा जो रैप वर्क है, बाकी ये देखो यहाँ पे एक्सीलेटर यहाँ पे इसमें लगाई हुई है। तो कैसे ये नीचे वाला एक्सीलेटर ऊपर पेंट और नीचे वाला जो ये वाला बॉडी पार्ट है यहाँ पे पेंट है भाई, इंजन वाला गार्ड है भाई इसके ऊपर पेंट किया हुआ, आगे वाला जो अलाई वाला भाई इसके ऊपर पेंट किया हुआ है। तो कैसे जो इसका जो पीछे वाला ये वाला इंजन वाला जो इसका टेल वाला पैनल है भाई यहाँ पे इसके ऊपर पेंट किया हुआ है। तो कैसे यहाँ पे जो इसका मोटरसाइकिल जो पूरा ब्रांडिंग यहाँ पे की हुई है। तो कैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एक्सीलेटर है यहाँ पे GoPro की जो ब्रांडिंग वो किया हुआ है। बाकी यहाँ पे 390 का यहाँ पे पूरा जो ब्रांडिंग में रखी हुई है। बाकी यहाँ पे देखो इसके ग्राफिक्स वगैरह सारे यहाँ पे किए हुए हैं। तो कैसे यहाँ पे HP का जो लोगो वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ पूरे जो उसके MotoGP का जो लोगो है भाई वो भी यहाँ पे लगाया, ब्रांडिंग वगैरह पूरी की हुई है। यहाँ पे RC की जो ब्रांडिंग पूरी की हुई है, ग्राफिक्स के वगैरह किए हुए हैं जो उसके मोटोरिक्स का लोगो वगैरह देखो ऐसे मोटर इसका लोगो यहाँ पे पूरा लगाया हुआ है। तो कैसे आगे से इसकी लुक है कुछ इस तरह से लग रही है, अभी मैं चाबी ऑन करके बताता हूँ गाइस। तो भाई ये देखो इसकी आगे से लुक कुछ इस तरह से लग रही है। बाकी इसमें 1000 रुपये लगाई हुई है जो बबल ग्लास आता है भाई, इसका जो मंबल भी वाला भाई वो इसमें लगाया हुआ इंस्टॉल किया हुआ है इसमें। तो कैसे ये इसके जो लुकिंग मिरर है, बाकी ये इसमें ये लगाए हुए हैं जो जो हैंडल बार मिरर आते हैं जो ब्लू आईसेट वाले भाई वो इसमें लगाए हुए हैं। तो गाइस इसमें मतलब ऑलमोस्ट जो पूरे मोटिवेशन सारा ये किया हुआ है। तो गाइस इसमें देखो जो बैक वाला ये वाला इसमें टेल लाइट लगाई है, यहाँ पे पीछे जो बैक लाइट वाली यहाँ लगाई हुआ है और भाई टायर लगाए हुए इसमें पूरा अपोलो का। तो भाई इसमें पूरा मिचलिन का टायर है, मैं बोल रहा हूँ कि टायर भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई 180 नंबर का टायर है, देख रहे हो गाइस 180 55 R60 मतलब इतना मस्त मोटा वाला टायर है वो डाला हुआ है। बाकी इसके जो प्रॉपर लुक है कुछ इस तरह से लग रही है इसके जो सिनेमैटिक एंजॉय है। आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, यूं ही प्यार फसाते रहो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो की फाइनल ऑफ रोमी मॉडिफाइड बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार ये वट खान पीते मंगे जान जा।